चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को स्थगित करने के साथ उनको फील्ड में ड्यूटी के लिए भेज दिया गया है, जिससे महानगर में जल जमाव की स्थिति से निपटा जा सके। मौसम विभाग के भविष्यवाणी का असर गोरखपुर में भी देखने को मिला, जिसमें कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए स्वयं नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा एवं मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद के साथ विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने के साथ सिंघड़िया मोड़ में हो रही सैमवेल निर्माण का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात नाले की हो रही सफाई का निरीक्षण करते हुए हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग बेतीहाता देवरिया रोड एवं पुलिस लाइन में हो रही नाले की सफाई का जायजा लिया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टी स्थगित कर दी गई थी, जिससे सफाई व्यवस्था और जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। इसी के साथ विभिन्न हिस्सों में पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी का कार्य कराया जा रहा है। महानगर में सफाई निरीक्षकों द्वारा चकसा हुसैन, गायत्रीपुरम, नकहा, पटनिया रेगुलेटर की सफाई का कार्य कराया गया है। नगर निगम की टीम द्वारा जल भराव के क्षेत्रों में हर संभव प्रयास करते हुए पानी निकासी की व्यवस्था की गई। जनता से अनुरोध है, जहां भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है, इसकी सूचना संबंधित सफाई सुपरवाइजर को अवश्य दें, ताकि जल निकासी की व्यवस्था तत्काल कराई जा सके। फिलहाल सभी संभावित जल जमाव के स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और पंप लगातार चालू रखे जा रहे हैं। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी एवं सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। जैसा कि आपके संज्ञान में यास नाम का जो चक्रवात आया हुआ है, जो उड़ीसा से चल रहा है, उसकी वजह से पूरे पूर्वांचल में भारी बारिश हो रही है और इसके संबंध में पहले ही पूरे जनपद गोरखपुर में, पूरे नगर निगम क्षेत्र में सबको अलर्ट कर दिया गया था समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कि 26, 27, 28 और 29 हैवी रेन होगी। कृपया सब लोग जो है इस बात को ध्यान में रखकर ही अलर्ट रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम में सभी जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी जो छुट्टियाँ थी वो सबकी कैंसिल कर दी गई हैं और सभी को कह दिया गया था कि सभी लोग अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहें। इसके साथ साथ हमने चीफ इंजीनियर के माध्यम से हमारी जो अभियंत्रण की टीम है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे अन्य वर्कर हैं, उन सबको कह दिया गया था कि वो अपने पास जो हमारी इमरजेंसी के गैंग हैं, जो हमारी मशीनें हैं, जो हमारे अन्य मैकेनिकल मशीनें हैं, उनको लेकर रेडी रहें, जिससे किसी भी समय कॉल होने पर वो तत्काल मौके पहुंचकर उस समस्या का निदान कर सकें। इसके साथ ही साथ जो है हम लोगों ने जितने भी हमारे 33 जगहों पे पहले से ही पंप लगा दिए, वहाँ पर लाइट जाने की स्थिति में डीजल की व्यवस्था रखी गई है और कहीं भी जैसे भी कोई भी लगता है कि वाटर लॉगिंग हो रही है, तत्काल पंप को ऑन करने के लिए वहाँ ऑपरेटर की व्यवस्था है और उसकी ही वजह है कि आज कल भी और आज सुबह भी हम लोग जो रात भर बारिश हुई है, उसके बावजूद शहर में बहुत ही कम जगहों पर, वो भी बहुत कम मात्रा में वाटर लॉगिंग हुई है। और इसके लिए मैं अपनी पूरी जो हमारी नगर निगम की कॉरपोरेशन की जो पूरी टीम है, हमारे ऑफिसर्स, उनको बधाई देना चाहूँगा और उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस घड़ी में जो है सब लोग अपनी ड्यूटी को मजबूती से करें, मुस्तैदी से करें। और इस वक्त हम लोग जो पुलिस लाइन में आए हुए हैं, यहाँ पे आपको मालूम है कि पुलिस लाइन में भी हम लोग जो एक अभियान छेड़े हुए हैं कि मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, उसके तहत ही पूरे एक ऑपरेशन कायाकल्प की तरह से हम लोग पुलिस लाइन का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। जो यहाँ पे बड़ा हुआ नाला है, उसकी पूरी सफाई हो रही है फोरक्लेन मशीन के माध्यम से, साथ ही साथ वहाँ पर जो तली झाड़ के सफाई के आदेश दिए गए हैं। जो नाला बीच बीच में टूट गया है, उसको भी हम लोग ठीक करा रहे हैं। उसके ऊपर कुछ जगहों पर जो बताया गया है RI साहब ने और SSP साहब ने कि इसके ऊपर सीमेंटेड चादर डलवा दी है, वो उसको भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा जितने छोटी छोटी नालियाँ हैं या अन्य चीज़ें हैं, उनकी पूरी सफाई, झाड़ झंकाड़ को हटाना, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग, ये पूरा एक जो एक है पूरा काम जो है ये चलता रहेगा। तो एक विशेष महाअभियान जो है पुलिस लाइन की साफ सफाई को लेकर भी चल रहा है।